हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। मेरा साइबरम चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में एक यूजर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो एक ऐप क्रिएट करने के लिए। उस ऐप में बेसिकली क्या होगा, उस ऐप में बेसिकली एक रिसाइकलर व्यू और लिस्ट व्यू होगा। उसमें बहुत सारे वेबसाइट का नाम होगा। उस वेबसाइट में अगर मैं उस टेक्स्ट व्यू में मैं क्लिक करूँगा तो मैं एक वेबसाइट में रिडिरेक्ट हो जाऊँगा, और मैं एनी यूजर कैन एट द वेबसाइट एंड यूआरएन नेम, वेबसाइट नेम एंड यूआरएन नेम वो डाल सकते हैं। तो मैंने इस ऐप को फायरबेस के साथ इम्प्लीमेंट किया। तो फायरबेस के साथ मैंने एक इम्प्लीमेंट किया। फायरबेस के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मेरा पास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो फायरबेस में मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया चुका हूँ, और उस अकाउंट में मैंने इस ऐप का ऐप आईडी दे चुका हूँ। उस ऐप का ऐप आईडी देने के बाद मैंने रजिस्टर किया हूँ, उसके बाद ऑथेंटिकेशन ऑन किया हूँ और रियल टाइम डेटाबेस ऑन किया हूँ। और ऑथेंटिकेशन में गूगल साइन इन मैं यूज कर रहा हूँ, सॉरी गूगल साइन इन नहीं, ईमेल आईडी साइन इन मैं यूज करता हूँ, ईमेल आईडी साइन इन यूज करता हूँ। इस ऐप के लिए मैंने क्या क्या कौन सा एक्टिविटी क्रिएट किया चुका, लॉग इन एक्टिविटी जो लॉग इन करता है बेसिकली, उसके बाद मैं रजिस्टर एक्टिविटी क्रिएट कर चुका, रजिस्टर जो रजिस्टर करेगा यूजर को, उसके बाद किया जाएगा मेन एक्टिविटी, जो मेन एक्टिविटी बेसिकली मेन एक्टिविटी में शो करेगा कितने सारे वेबसाइट है, वेबसाइट का नेम बेसिकली शो करेगा। और उस मेन एक्टिविटी में ए यूजर कैन इजीली ऐड एन वेबसाइट विद द यूआरएन। एंड स्नैश एक्टिविटी बेसिकली क्या है, स्नैश एक्टिविटी बेसिकली इज चेक करने के लिए, जब यूजर फर्स्ट टाइम आता है और यूजर नेक्स्ट टाइम आता है, तो यूजर को बेसिकली चेक करने के लिए, जो यूजर फर्स्ट टाइम लॉग इन और साइन अप कर रहा है और वो पहले से साइन इन कर चुका है। और वेबसाइट क्लास क्या है, ये एक मॉडर्न क्लास कह चुका हूँ। जो ये लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू हम दिखाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर, उस लिस्ट व्यू के लिए एक मॉडर्न क्लास क्रिएट कर चुका हूँ। तो ओके, तो पहले मैं लॉगिन एक्टिविटी में अंदर आ जाता हूँ। लॉगिन एक्टिविटी में आपको समझाऊंगा, मैं अभी ये ऐप क्रिएट कर चुका हूँ कुछ देर पहले। मेरा एक गिटहब पे रिपोजिटरी है, मैं गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, तो वहां से कोड कर लेना। मैं आपको पूरा ऐप समझा देता हूँ, मेरा कोड कर चुका है, मैं जस्ट ये ऐप को समझा देता हूँ। तो पहले एक लिनियर लेआउट लिया, एडिट टेक्स्ट, ईमेल आईडी का एडिट टेक्स्ट पता ही है, बेसिक है, पासवर्ड का एडिट टेक्स्ट लिया, उसके बाद बटन लॉगिन बटन लिया, उसके बाद टेक्स्ट भी लिया आई डोंट हैव एन अकाउंट। इफ एन यूजर हैव डोंट हैव एन अकाउंट, देन यूजर कैन क्लिक द टेक्स्ट व्यू एंड गो टू द रजिस्टर एक्टिविटी। एट फर्स्ट टाइम यूजर कैन क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट व्यू एंड गो टू द रजिस्टर एक्टिविटी। ओके, दिस इज बेसिकली लॉग इन एक्टिविटी। अब मैं लॉग इन एक्टिविटी का जो जावा पोर्शन में आ जाता हूँ, तो मैं प्राइवेट इनिशियलाइज कर रहा हूँ, एवरी वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज कर रहा हूँ, यहाँ पर प्राइवेट पकड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं इनिशियलाइज किया हूँ, उसके बाद मैंने प्रोग्रेस बार भी कर चुका हूँ। ये पूरा कोड गिटहब में है, आप गिटहब से कॉपी कर लीजिए, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। उसके बाद बटन है, लॉग इन बटन है, लॉग इन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक नेशन और अपना लॉग इन बटन में जब यूजर क्लिक करेगा तो अब क्या होगा, तब मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड जो यूजर ने इनपुट किया है उसको मैं रिट्रीव कर चुका हूँ। उसके बाद हम साइन इन विथ ईमेल कर चुका हूँ। तो साइन इन इन ईमेल का ये जो बेसिकली फंक्शन है, प्रोग्रेस बार डॉट साइन अप शो करता है, उसके बाद जो एम ऑथ साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ये फायरबेस के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन देखिए, यहाँ इसका तो साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, इसका दो पैरामीटर है, एक एक ईमेल आईडी, एक पासवर्ड। तो बेसिकली मैंने दो पास कर दिया चुका हूँ, जो यूजर ने इनपुट दिया है ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। उसके बाद टास्क इज द सक्सेसफुल सेंड यूजर टू मेन एक्टिविटी, सक्सेसफुल लॉग इन, अगर नहीं हुआ तो एरर मैसेज शो करता था, अगर यूजर इंटरनेट ऑफ कर चुका है वो भी नहीं होगा। उसके बाद सेंड यूजर टू मेन एक्टिविटी में कर चुका हूँ, अगर सक्सेसफुली लॉग इन हो गया तो यूजर को मैं रिडायरेक्ट कर दूंगा मेन एक्टिविटी पे। उसके बाद साइन इन विद ईमेल टेक्स्ट व्यू, हाँ वो टेक्स्ट व्यू में जब क्लिक करेगा, अगर उसके पास अकाउंट नहीं है तो वो रजिस्टर एक्टिविटी में रिडायरेक्ट होकर चला जाएगा। नेक्स्ट में आता हूँ रजिस्टर एक्टिविटी, तो रजिस्टर एक्टिविटी में भी सेम फंडा, ईमेल आईडी पासवर्ड साइन अप एंड आई हैव एन अकाउंट साइन इन। अगर उस यूजर के पास पहले से अकाउंट है तो उसको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, उसको साइन इन करना पड़ेगा। तो बेसिकली साइन इन करने के लिए उसको ये बटन, ये टेक्स्ट व्यू प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी मैं एडिट टेक्स्ट लेके यहाँ पर असाइनमेंट किया हूँ, उसके बाद रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, डेटाबेस रेफरेंस, फायरबेस जो मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, उसके बाद प्रोग्रेस डायलॉग, मैंने प्रोग्रेस डायलॉग भी क्रिएट कर चुका हूँ। उसके बाद जब यूजर्स बटन साइन इन बटन में, साइन अप बटन में क्लिक करेगा, तो ये फंक्शन साइन अप विथ ईमेल फंक्शन ये क्रिएट होगा। तो बेसिकली मैंने ये वाला जो फंक्शन क्रिएट हो चुका है, ये फायरबेस के साथ कनेक्ट है, क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड, इसका भी दो पैरामीटर है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, आप देख सकते हैं इसका भी दो पैरामीटर है। अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो ये स्ट्रिंग करंट यूजर आईडी रिटर्न करता है। और ये वाला जो क्या लिखा, देखिए
देखिए, जब पहले बार यूजर रजिस्टर करते हैं तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक में ऑटोमेटिकली ऐड कर देती हूँ, और लिस्ट एम्प्टी नहीं होगा, लिस्ट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बाय डिफॉल्ट वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर नेक्स्ट आप कोई वेबसाइट का नेम एंड यूआरएल स्टोर करना चाहते हो तो आप स्टोर कर सकते हैं, मगर बाय डिफॉल्ट मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम का कर चुका हूँ। आप ये ऐप को एडिट करके कोई बेसिकली फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एट्सेट्रा आप कर सकते हैं, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली कर चुका हूँ, प्रोग्रेस बैनर नहीं हुआ तो इरर शो करेगा, तो ये बेसिकली रजिस्टर एक्टिविटी है। उसके बाद हाँ, स्प्लैश एक्टिविटी का समझा दूंगा। स्प्लैश एक्टिविटी बेसिकली चेक करेगा जब यूजर फर्स्ट टाइम आएगा तो। हाँ, मेन फेस्ट एक्टिविटी में जो फर्स्ट एक्टिविटी लॉन्चर एक्टिविटी वो स्प्लैश एक्टिविटी में दिया हूँ, तो यहाँ पर स्प्लैश एक्टिविटी में लॉन्चर एक्टिविटी वो वहाँ पर ऑन स्टार्ट, जब स्प्लैश एक्टिविटी स्टार्ट होगा ऑन स्टार्ट वो चेक करेगा इफ करेंट यूजर इक्वल टू नल्स, मेन वो चेक करेगा करेंट यूजर के नल है, करेंट यूजर के वॉइड है तो सेंड यूजर टू लॉगिन एक्टिविटी। अगर करंट यूजर वॉइड है मतलब उसने साइन इन नहीं कर चुका है तो उसको रिडिरेक्ट कर देगा कहाँ, सेंड यूजर टू लॉगिन एक्टिविटी। ये सेंड यूजर टू लॉगिन एक्टिविटी तो वो मेथड है, ये मैंने नीचे लिखा हूँ, तो उसको रिडिरेक्ट कर देगा। अगर उसने पहले से साइन इन कर चुका है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड करंट यूजर आईडी एम ऑथ डॉट के करंट यूजर आईडी उसको मिल जाएगा और उसको मेन एक्टिविटी में रिडिरेक्ट कर देगा। ये प्रोसेस बहुत ही मिली सेकेंड में होता है, तो इस एक्टिविटी को आप दिखाई नहीं पड़ सकते, इस प्रोसेस बहुत ही मिली सेकेंड में होता है। उसके बाद मैं जो वेबसाइट में जो मॉडर्न क्लास कर चुका हूँ वो मॉडर्न क्लास में देखिए बेसिकली टेक्स्ट एंड लिंक है। टेक्स्ट मतलब जो वेबसाइट का टेक्स्ट है और लिंक मतलब वेबसाइट का लिंक है। बेसिकली मैंने एक मॉडर्न क्लास क्रिएट कर चुका हूँ। उसके बाद जो बेसिकली है मेन एक्टिविटी, मैं मेन एक्टिविटी में बारे में आ जाता हूँ। तो मेन एक्टिविटी खुल रहा है, ये जो ऐड वेबसाइट वाला फंक्शन है, ऐड वेबसाइट मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद लिस्ट व्यू समझा। तो ऐड वेबसाइट के लिए मैं बेसिकली एक रिलेटिव लेआउट किया चुका हूँ। रिलेटिव लेआउट का एक टेक्स्ट व्यू है और एक इमेज व्यू है। इमेज व्यू ऐड बटन, इस बटन में आप क्लिक करके कोई वेबसाइट का नेम एंड वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो इस वाला जो फंक्शन है रिलेटिव लेआउट, और ये रिलेटिव लेआउट पर जब क्लिक करता है क्रिएट मेथड पे, मैंने एक फंक्शन मेथड क्रिएट कर चुका हूँ और एनआर डायलॉग बॉक्स एक शो करेगा। ये क्या शो करेगा, एक एनआर डायलॉग बॉक्स शो करेगा। इस एनआर डायलॉग बॉक्स में मैं बेसिकली एक दो इनपुट लिया हूँ, एक इनपुट है वेबसाइट का नेम और दूसरा इनपुट है वेबसाइट का यूआरएल, यानी यूजर कैन इनपुट द वेबसाइट नेम एंड वेबसाइट यूआरएल। देन मैंने एक पॉजिटिव बटन किया हूँ, एनर टाइप का सेट पॉजिटिव बटन, सेव बटन और कैंसिल। अगर कैंसिल को दगा कैंसिल होगा वो तो आपको पता ही है। अगर सेव बटन में क्लिक कर चुका हूँ तो सेव बटन में बेसिकली फायरबर्स को नोट करके यहाँ पर ये रूटरेप जैन टेक्स्ट स्ट्रिंग एक की पुश करेगा और वहाँ पर फायरबेस में ये जो नेम है एंड वेबसाइट का नेम है वेबसाइट का यूआरएल पुश हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द फंक्शन फॉर एडिंग एन वेबसाइट इन टू द फायरबेस। और फायरबेस का जो स्ट्रक्चर है मैं अभी दिखाता हूँ, वेट वेट 1 सेकेंड। यहाँ पर आप VM10 डेटाबेस में स्टोर करिए, उसके बाद ये जो फायरबेस का स्ट्रक्चर है, पहले रूट है, रूट के बाद यूजर्स है, यूजर्स के बाद यूजर ऑथेंटिकेशन आईडी है, उसके बाद ईमेल है, उसके बाद मैंने कितना कितना वेबसाइट स्टोर किया है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर वे में स्टोर हो रहा है, एक है लिंक, एक वेबसाइट का लिंक स्टोर कर रहा है और एक है टेक्स्ट व्यू जो वेबसाइट का बेसिकली नेम स्टोर कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है ऐसे स्टोर कर रहा है। यह स्ट्रक्चर और ऑथेंटिकेशन में देखिए एक यूजर ही लॉगिन अभी कर चुका है, तो मैंने ये देख दिया। उसके बाद मैं लिस्ट व्यू में आता हूँ, लिस्ट व्यू मतलब रिसाइकलर व्यू में आता हूँ। तो रिसाइकलर व्यू का मॉडर्न क्लास मैंने वेबसाइट क्रिएट कर चुका हूँ, ये रहा रिसाइकलर व्यू का मॉडर्न क्लास, ये मैंने बता दे चुका हूँ। लिस्ट व्यू में क्या होगा, लिस्ट व्यू में जब बेसिकली जब एक्टिविटी ओपन होगा तो ऑन स्टार्ट होगा, एक्टिविटी जब ऑन स्टार्ट होगा तभी फायरबेस में एक क्वेरी रन होगा। फायरबेस में क्या होगा, एक क्वेरी रन होगा। उस क्वेरी में मैं दो सेट क्वेरी, एक है रेफरेंस में पास कर चुका हूँ और एक मॉडर्न क्लास में पास कर चुका हूँ, वो जो क्वेरी है मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। उसके बाद एक एडाप्टर व्यू होल्डर मैंने किए कर चुका हूँ, व्यू होल्डर टेक्स्ट व्यू बेसिकली नेम उस व्यू होल्डर के लिए, सॉरी सॉरी 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, मैंने एक व्यू होल्डर क्रिएट कर चुका हूँ। उस व्यू होल्डर में टेक्स्ट व्यू नेम शो करेगा, तो मैंने टेम्पलेट लेआउट क्या कर चुका हूँ, टेम्पलेट लेआउट यहाँ पर देख, आपको पता है व्यू अंडर रिसाइकलर व्यू शो करने के लिए एक टेम्पलेट लेआउट क्रिएट करना पड़ता है। तो टेम्पलेट लेआउट में वेबसाइट का नाम और एक मैंने एक डमी इमेज क्रिएट की, क्लिक
करने का फीन आएगा। तो वैसे ही वेबसाइट का नाम, उसके बाद व्यू नेट निकल चुका हूँ, उसके बाद ये जो होंडा डॉट नेम सेट टेक्स्ट, वो जो वहाँ से जो वेबसाइट का नेम रिट्रीव करा है वहाँ पर सेट टेक्स्ट कर देगा। उसके बाद प्रोग्राम लोग डिसमिस कर देंगे। उसके बाद होंडा डॉट आइटम भी सेट ऑन क्लिक निशन आ रहा, अगर आपने किसी भी आइटम पर क्लिक किया तो एक क्रोम ओपन हो जाएगा आपका। उस क्रोम में आपका क्रोम ओपन हो जाएगा, क्रोम में एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। उस विंडो में आपका जो बेसिकली वो वेबसाइट है वो वेबसाइट खुल जाएगा। ये है बेसिकली मेरा फंक्शन। और एक यूजर ने बताया था कैसे ये सर्च काम करेगा, तो बेसिकली सर्च काम मैं अभी नहीं किया हूँ बेसिकली, तो सर्च आपको समझा देता हूँ। सर्च के लिए एक एडिट टेक्स्ट करना, एडिट टेक्स्ट में आप जब टेक्स्ट डालेंगे तो नाइव रेंडरिंग करेंगे, नाइव रेंडरिंग करके जो बेसिकली लिस्ट व्यू है, देखिए फायरबेस का जो लिस्ट व्यू आ रहा है उसको आप जेसॉन में डालिए, जेसॉन में डालिए, उस जेसॉन को आप क्वेरी करिए, और क्वेरी करके जो जो लाइव रेंडरिंग एडिट टेक्स्ट करता है उससे कर लीजिए। अगर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और जो ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, और बेसिकली जो ऐप का गिटहब लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।